दिन के वाकया जो है और आगे भी फेस करने होंगे। ये जो क्रिकेट टीम के ऊपर वाकया हुआ, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट हुई है, क्या उसमें अकाउंटेबिलिटी किसी की की गई है? अगर आप उसमें इन्वेस्टिगेट करके ये जो ताने बाने होते हैं तो आपको आगे जो खतरे हैं उसका सही अंदाजा हो सकेगा। टेक्निकली जो पुलिस है या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है या हमारा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, उन्होंने बिल्कुल एक मामले को जो है वो दबाना नहीं होगा और उसको जब इन्वेस्टिगेट अगर वो करते तो उनको इस के खिलाफ तबाही होती। मैं समझता हूँ कि इसका भी जो है ये नहीं है कि जो है ये कम्प्लीट हो जाता है फिर इसको बैक बर्नर उठा लेते हैं और आगे ये समझते हैं कि सारी शरीयत होगी। मैं समझता हूँ कि इस मामले के अंदर बहुत गहराई तक जाना होगा और ये तमाम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है बैन करने के अलावा उनकी जो एक्चुअल पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंस है उसको एलिमिनेट करने के लिए पहले उसके बारे में कंप्लीट इंटेलिजेंस होनी चाहिए और वो कोई मुश्किल नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज है ये प्रॉपरली ट्रेंड है, सिर्फ ये है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं की जा रही है कि जो पिछला वाकया हुआ था उसका क्या प्रोग्रेस है, वो कहाँ तक पहुंचे हैं और क्यों नहीं पहुंचे हैं। महमूद साहब, देखा जाए तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की ये लहर बढ़ती ही चली जा रही है। एक तरफ खुदकुश हमलों का ना रुकने वाला सिलसिला और उसके बाद अब ये मुनज्जम जदीद ट्रेनिंग वाले हमले देखने में आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे, कौन से ऐसे अनासर हैं, इनके क्या मकासद हैं और इस तरह की कार्रवाइयों से ये हासिल क्या करना चाहते हैं? दरअसल अगर आप देखते हैं तो एक है अलकायदा जो कि एक डॉक्ट्रिनल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है और बाकी जितनी भी है चाहे वो हमारे कबायली इलाके में तालिबान है या पाकिस्तान में जो दूसरे जो मैंने मेंशन किए ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके सेटेलाइट्स हैं, वो उनके सरोगेट्स हैं, वो इस चीज को आगे वो बढ़ा रहे हैं। तो उनके यहाँ इस्लाम की एक खास इंटरप्रिटेशन है, वो लोगों के ऊपर जो है वो थोपना चाहते हैं जोर से और ये जो लोग हैं जो ट्रेन हुए हुए हैं इनका और कोई काम नहीं है, इनको डिफाम करने के लिए अगर हमने अपनी पॉलिसी चेंज की वाकई 2001 में तो इनको डिफाम करने के लिए एक प्रॉपर तरीका जिसको डीमोबिलाइजेशन कहते हैं, यानी इन लोगों को बंदूक से लेकर उनको कामों पर लगाना चाहिए था।